उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्रीमती जय देवी जी, डॉक्टर योगेश शुक्ला जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और आज के समारोह में उपस्थित उन महान क्रांतिकारियों के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, शहीद परिवारों, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के साथ ही युवा ऊर्जा के प्रतीक हमारे सभी नौजवान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और उनके सभी सम्मानित अभिभावक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर से अलग अलग स्थानों पर आयोजित समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, सभी मान्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों के परिजन, शहीद परिवारों के परिजन, वीर नारियां, पूर्व सैनिक और उपस्थित सभी प्रदेश भर के हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उन महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए देश के ज्ञात और अज्ञात सभी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों, सेनानियों, शहीदों और भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को मैं नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था, अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष। इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वातंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर
कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, कानपुर के बिठूर में इसको नेतृत्व दे रहे थे नाना साहेब और त्यात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आजादी की लड़ाई केवल वहीं थमी नहीं, लगातार जारी रही। अभी 2 वर्ष पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा की 1922 में घटित उस ऐतिहासिक घटना को शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोगों ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और आजादी के अमृत काल के शुभारंभ के अवसर पर ही काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में उस समय के महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्पाउल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने उस दौरान एक रणनीति बना करके भारत के खजाने में डकैती डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, इसी काकोरी में उस पैसे को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस धनराशि का उपयोग हो सके और भारत की आजादी के इस पैसे का सदुपयोग किया जा सके, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। ब्रिटिश हुकूमत कांप गई थी, धनराशि तो थी 4,679 रुपया, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय धनराशि खर्च की थी 10 लाख रुपया। क्रांतिकारी पकड़े गए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, अस्पाउल्ला खां को अलग अलग जेलों में, गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में बंद करके बिना सुनवाई किए ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा ही नहीं सुनाई, जो नियत तिथि थी, ब्रिटिश हुकूमत कितनी घबराई हुई थी कि नियत तिथि से एक दिन पहले ही इन क्रांतिकारियों को, काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों को फांसी के फंदे पर लटका करके उस समय की हुकूमत ने अपनी कायरता का परिचय देने का कार्य किया था। लेकिन उस समय इन क्रांतिकारियों को जब सजा भी दी जा रही थी, इन्होंने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने हिम्मत नहीं हारी।
इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से जब पूछा गया, एक ही बात उनसे पूछा जाता था, जिस भी क्रांतिकारी से पूछा जाता था कि आखिर कोई इच्छा हो, ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग लोगे तो हो सकता माफी मिल जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस संकल्प के साथ इन्होंने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इन्हीं क्रांतिकारियों के शहादत का परिणाम है, इनके बलिदान का परिणाम है आज हम आजादी का उपभोग कर पा रहे हैं। याद करिए 9 अगस्त की तिथि, काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि भी है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का अभियान आज ही के दिन 1942 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो 9 अगस्त की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है, और इस बार जब शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हम कर रहे हैं, तो बहनों और भाइयों, 9 अगस्त को आज के दिन पर हमारा एक प्रमुख पर्व नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी शक्ति के प्रतीक, कुंडलनी शक्ति, जिसको हम भौतिक जगत में नाग शक्ति के रूप में, नाग पंचमी के रूप में, नाग देवता के रूप में पूजन के और कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, उसके अनुष्ठान का भी तिथि है। और भौतिक जगत में आज की तिथि पे हमारे युवा पहलवान जगह जगह जाकर के अखाड़ों में अपने शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी करते हैं, और शक्ति प्रदर्शन का परिणाम है कि कल भारत को हॉकी में भी एक मेडल ओलंपिक में प्राप्त हुआ है, और जेवलिन थ्रो में भी नीरज चोपड़ा को एक नया मेडल प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने इन सभी भारतीय खिलाड़ी जो भारत का नेतृत्व दे रहे हैं, जो भारत के दल को वहां पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उन सभी भारत माता के सपूतों का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, और खास तौर पर श्री नीरज चोपड़ा जिन्होंने जेवलिन थ्रो में कल मेडल प्राप्त किया है, और साथ साथ भारत की हॉकी की टीम जो लगातार पिछले 2 ओलंपिक से फिर से अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, इस पूरी भारत की हॉकी टीम का भी मैं इस अवसर पर बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर पंच प्रण की याद दिलाई। पंच प्रण केवल एक भाषण नहीं है, यह केवल शब्दावली नहीं है, यह हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, यह जीवन का व्रत होना चाहिए। भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, हर भारतवासी के लिए जीवन में जो 5 महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, उनका अनुसरण किस रूप में करते हुए हम भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं, इसका भी एक माध्यम है। और इसके लिए हम में से हरेक व्यक्ति के जीवन का ध्येय एक ही होना चाहिए, और ध्येय एक ही हो जो हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो संकल्प देश की आजादी के लिए लड़ा था, आज हमारे ऊपर वह दायित्व है कि भारत की इस आजादी को बरकरार रखने के लिए उस कालखंड में बलिदान की आवश्यकता पड़ी। आज हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर इसका अनुपालन करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में न उभरे। भारत ने पिछले 10 वर्ष में अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है,
शानदार यात्रा का परिणाम है 2014 में जो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह भारत अगले 3 वर्ष में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अमेरिका चीन के बाद 3री बड़ी आर्थिक ताकत 2027 में कोई होगा तो अब भारत होगा भारत, और भारत की ताकत का मतलब हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली। लेकिन इसके लिए हमें सबको मिलकर के अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। इसके लिए जो पंच प्रण है, इन पंच प्रण को अपने जीवन का संकल्प बनाना होगा, और वह तभी बन सकता है जब हमारी प्राथमिकता हमारा देश बने। जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, हमारा संकल्प तो एक ही होना चाहिए कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से या वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो है हम सबके जीवन का संकल्प। राष्ट्र प्रथम का भाव, मेरा व्यक्तिगत हित राष्ट्र के हित से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, मेरी जाति का व्यक्तिगत हित मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है, मेरे मत और मेरे मजहब का हित मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ निछावर करने का एक संकल्प और उसके लिए समर्पण का एक भाव, व्यक्तिगत कर्तव्यों से लेकर के नागरिक कर्तव्यों तक आगे बढ़ता हुआ, सैनिकों के सम्मान से लेकर के एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करना, वोकल फॉर लोकल के लिए कार्य करते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, समाज में सबके प्रति संभाव रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए प्राणपण से जुड़कर के कार्य करना, अगर हम सब मिलकर के इन सभी संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हैं और गुलामी के अंशों को समाप्त करने के साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने से रोक नहीं सकती है। अब भारत का समय आ गया है, और भारत के समय के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा था, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यही समय है और सही समय है, आजादी का अमृत महोत्सव इसका सही समय है, और संकल्पों की इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने इन क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए हम लोग इस अवसर पर इस वर्ष प्रारंभ किए हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का एक कार्यक्रम। आज ये समारोह प्रदेश भर में हो रहा है, हर जनपद में हो रहा है, मंत्रीगण भी गए हैं, माननीय सांसदगण भी हैं, मान्य विधायक गण हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, अलग अलग जनपदों के कार्यक्रम में और शामिल होकर के विद्यार्थियों के साथ, क्रांतिकारी परिवारों के साथ, शहीद परिवारों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, वीर नारियों के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार आगे चलेंगे। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अभी आज ये कार्यक्रम होंगे, आज हर शहीद स्मारक पर राष्ट्र धुन के साथ पुलिस, पीएसी, अर्धसैनिक बल, सैनिक, सेना, होमगार्ड, एनसीसी, इन सब के बैंड की धुन भी बजती हुई दिखाई देगी। ये अपने क्रांतिकारियों के प्रति, शहीदों के प्रति एक सम्मान का प्रतीक, और एक कार्यक्रम लगातार चलेगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। हर घर में तिरंगा, भारत की आन मान शान का प्रतीक, भारत का
राष्ट्रध्वज हर घर के ऊपर पहराया जाएगा, हर संस्था के ऊपर पहराया जाएगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर के ऊपर फहराने के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी विभाग और जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। एक वर्ष तक चलने वाला एक कार्यक्रम, कल आपने देखा होगा कि टेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के पूर्व संध्या पर राष्ट्रभक्ति के गानों की भी एक संध्या हर जनपद में आयोजित हुई। ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने उस कार्यक्रम में सहभागिता की, हमारे कलाकारों ने सहभागिता की, स्थानीय कलाकारों का एक मंच मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। लेकिन इसके साथ आगे एक कार्यक्रम चलेंगे जनपद स्तर पर, सुलेख लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, अन्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये सभी होंगी। फाइन आर्ट से क्रांतिकारियों के चित्रों को उल्लेख करते हुए, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय फाइन आर्ट विभाग के बच्चों ने यहां पर काकोरी शहीद मंदिर में क्रांतिकारियों के चित्रों को कितने बेहतरीन तरीके से उकेरा है, वहां पर अगर आप देखेंगे। और ललित कला विभाग ने भी यहां पर देखा है कितने अच्छे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है यहां के छात्रों के साथ मिलकर के। बहनों और भाइयों, वर्ष भर चलने वाले इन कार्यक्रमों में हम सबकी सहभागिता हो, हम अपने उन महान बलिदानियों को, हम भारत माता के इन महान सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस विश्वास के साथ यह आयोजन आज यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर ये मुझे सौभाग्य की बात है मेरे लिए और हमारी सरकार के लिए कि हमें काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए क्रांतिकारियों के परिवारजनों को देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए जिन परिवार के सदस्यों ने अपने आप को बलिदान किया, उन परिवारजनों को और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनमें श्री राम कृष्ण खत्री अमर शहीद हैं। ये काकोरी ट्रेन एक्शन में 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई थी। इनके परिवार के सदस्य श्री रोहित खत्री को यहां पर सम्मानित किया गया। ठाकुर रोशन सिंह काकोरी ट्रेन एक्शन में जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, उनके परिवार के सदस्य श्री राजीव कुमार सिंह और सुश्री सिप्रा सिंह को यहां पर सम्मानित किया गया। शहीद अस्ताउल्लाह खां के परिवार में जो काकोरी ट्रेन एक्शन में जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, उनके पौत्र आफाक उल्लाह खां को आज यहां सम्मानित किया गया। यहां पर शिव नारायण गुप्ता के परिवार जो 1942 में भारत छोड़ आंदोलन में 3 बार कारावास की सजा जिन्हें प्राप्त हुई, उनकी पुत्री श्रीमती कांति गुप्ता को यहां पर सम्मानित किया गया। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी कारगिल युद्ध के शहीद हैं, उनकी पत्नी को यहां पर सम्मानित किया गया। राइफलमैन सुनील जंग कारगिल युद्ध के शहीद हैं, उनकी माता श्रीमती बीना जंग को सम्मानित किया गया। मेजर रितेश शर्मा कारगिल युद्ध में शहीद हुए, उनके पूज्य पिता श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी को यहां पर सम्मानित किया गया। कुंवर सिंह चौधरी वीर चक्र से सम्मानित, उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी चौधरी को यहां सम्मानित किया गया। राजा सिंह वीर चक्र से सम्मानित, उनकी पुत्रवधु श्रीमती राजेश्वरी जी को यहां सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज पांडे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनके भाई श्री मनमोहन पांडे को यहां सम्मानित किया गया। और किशोरी देवी गुप्ता 1940 के आंदोलन में 1 साल की पुत्री के साथ 15 साल तक कारावास की सजा, उनकी पुत्री को श्रीमती पुष्पा देवी जी को यहां सम्मानित किया गया।
ऐसे प्रदेश भर में एक कार्यक्रम होंगे। याद रखना, इतिहास के गौरवशाली क्षणों पर गौरव की अनुभूति करना, उससे प्रेरणा प्राप्त करना और इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, उसके परिमार्जन के लिए जो समाज खड़ा होता है उसी समाज का भविष्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के उज्जवलमय भविष्य के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ आज काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, काकोरी ट्रेन एक्शन में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को भारत माता की आजादी के लिए समर्पित किया, बलिदान किया, उनकी सभी की स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीद परिवारों और वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए आप सब इस कार्यक्रम में वर्ष भर सम्मिलित हों, इस विश्वास के साथ आह्वान करते हुए आप सबको आज के इस दिवस की और नाग पंचमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।